नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि राहुल गांधी जो अभी नए नए नेता सदन बने हैं, वो बड़े आक्रामक अंदाज में सदन के अंदर आए और उन्होंने चक्रव्यूह से लेकर कमल से होते हुए और हलवा तक ना जाने क्या क्या कह डाला। बहुत सारी बातें थी, पहले खटाखट था, फिर हलवा बटने लगा। ये अजीब अजीब सी चीजें जो निकाल के राहुल गांधी ला रहे थे, वो आज उन्हीं को भारी पड़ा। वो आपने सुना है ना कि कीचड़ में पत्थर डालोगे तो छींटे तो आपको भी आएंगे ना, लेकिन यहाँ कीचड़ में पत्थर नहीं डाला गया। यहाँ पर राहुल गांधी बहुत लंबे समय से सीधा कीचड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे और आज उस कीचड़ में वो खुद भी संते हुए दिखाई दिए। ना केवल संते हुए दिखाई दिए बल्कि सराबोर होते हुए दिखाई दिए। आज जब सदन में अनुराग ठाकुर को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने उसी हलवे पे बड़ा कटाक्ष करना शुरू किया और ये कटाक्ष सचमुच ऐसा था जिसने राहुल गांधी को धोकर रख दिया। राहुल गांधी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वाल्मीकि योजना का घोटाला हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, बोफोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला का हलवा किसने खाया, यूरिया घोटाले का हलवा किसने खाया, और लास्ट में उन्होंने पूछा कि राहुल जी हलवा मीठा था या फीका था। ये सचमुच इसके बाद अनुराग ठाकुर यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा जिसकी जात का खुद का पता नहीं है वो जातीय गणना की बात करने चल रहा है। और इससे आगे बढ़ते हुए अनुराग ठाकुर बेहद आक्रामक अंदाज में उनके साथ पीछे से जो उनकी पार्टी के लोग थे वो बोल रहे थे, वो उनका समर्थन कर रहे थे कि ये जो राहुल गांधी जो बोले बीच में बोल पड़े तो उसमें बोला कि ये अंकल सैम ने लिख के दिया होगा या अंकल सौरव ने लिखा होगा या कहीं से पर्ची आई होगी, क्योंकि राहुल गांधी को ये नहीं पता है कि वो क्या कहेंगे। तो ये जो आज राहुल गांधी का मजाक बनाकर रख दिया गया सदन के अंदर, हालांकि ये सचमुच ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके की चीज़ें सदन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन पिछले काफ़ी लंबे समय से जब से चुनाव होकर नई संसद बनी है तब से राहुल गांधी लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहे थे कि उनको जवाब दिए जाने की आज बेहद ज़रूरत है। जो अनुराग ठाकुर ने दिया, आज अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बखिया उधेड़ दी संसद के अंदर और उनको बोलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि ये लगातार उसमें कुछ पर्सनल कमेंट्स भी थे, जैसे कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी अपनी जात का पता नहीं है वो जातीय गणना की बात कर रहा है। तो इस पर राहुल गांधी बड़े आक्रामक होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सदन में उन्हें रोका गया। परंतु ये आखिर हुआ क्यों, ये बहस इस तरीके से क्यों आई साहब, इतनी गंदगी क्यों मची सदन? इसलिए मची कि राहुल गांधी खुद लंबे समय से इस तरीके की हरकतों में इन्वॉल्व थे और राहुल गांधी को जिस तरीके की वो हरकतें कर रहे थे, राहुल गांधी को इस तरीके का जवाब दिया जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जो बचकाना हरकतें कर रहे हैं, आपको हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इसका लगभग जो पूरी जो देश है लोकतंत्र है उसके अंदर ये गलत एक धारणा बनी, लोगों की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के खिलाफ थी कि राहुल गांधी को इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नेता सदन जो एलओपी होता है उसका एक अपनी गरिमा है, पद की गरिमा है। हालांकि राहुल गांधी ने पहले दिन से ये करना शुरू किया था, कभी वो गए तो सदन जो सभापति थे ओम बिड़ला उनको कह दिया कि ये तो मोदी के सामने झुके, मेरे सामने नहीं झुके। क्या था ये, राहुल गांधी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए था खुद, क्योंकि एक एज फैक्टर भी हो सकता है, एक हमारे यहाँ जो है अपने से बड़े लोगों को किस तरीके से उन्हें आदर दिया जाता है, राहुल गांधी शायद ये खुद ही बखूबी जानते हैं। परंतु वो आजकल उन्होंने शायद अपना कोई सलाहकार बदला है, जो सलाहकार उन्हें ठीक से सलाह नहीं दे पा रहा है,
लेकिन राहुल गांधी के साथ आज जो सदन के अंदर हुआ सचमुच वो देखने दिखाने लायक था। एक बार जरा ये अनुराग ठाकुर का ये बयान जरूर देखना चाहिए आपको। पूछना चाहता हूँ हलवा किसको मिला, मैं पूछता हूँ हलवा किसको मिला। राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीव घोटाले का हलवा किसने खाया, वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया, अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया, नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया, सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया, टूजी स्कैम हलवा किसने खाया, कॉमनवेल्थ स्कैम का हलवा किसने खाया, कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया, वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया, चारा घोटाले का हलवा किसने खाया, यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया। राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आपने जो तो बैठ जाए, मैं आपसे सर, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बात खत्म हो जाए। उन्होंने इंसल्ट किया उसके बाद मैं आपको अवसर दूंगा। नहीं सर, नहीं, उनके बाद अवसर दूंगा, आपको अवसर दूंगा। लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं, तो क्या उनको भी बुरा समझते, क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की पशुपतिनाथ के रूप में मूर्ति मिली थी, लोकमान्य तिलक पद्मासन मुद्रा में ही समाधिलीन हुए थे। आप कहते हैं कमल के चारों तरफ हिंसा है, आप कमल का अपमान नहीं कर रहे, आप बल्कि महायोगी भगवान शिव, भगवान बुद्ध और लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। इसलिए अगली बार कमल के बारे में सोच बोलने से पहले थोड़ा सोच कर बोलिए कि आप किस किस का अपमान कर रहे हैं, और केवल रील के नेता मत बनिए, मीम्स आपकी खूब बनती हैं, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। और आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर बहुत बेहद आक्रामक अंदाज में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर को मोस्ट प्रोबेबली ऐसा नहीं देखा गया, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत ज़रूरी था, ताकि उन्हें यह एहसास हो सके कि अगर किसी बात को लेकर गलत तरीके से उसको सदन में किया जाए तो उसका दूसरे लोगों पर कैसे असर होता है। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी। आपने देखा होगा आज राहुल गांधी बगले झांक गए, शायद हम उम्मीद करते हैं या देश उम्मीद करता है कि राहुल गांधी आगे से बड़े संभाल के और अच्छे तरीके से, शॉवर तरीके से अपनी बात को सदन में रखने के लिए पहचाने जाएंगे, जाने जाएंगे और एक गंभीर नेता की छवि लेकर आगे चलेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बेहद ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे
QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।